यहीं पड़ा है। नाश्ते का भी समय हो रहा है, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे करेंगे? छोटी मैम साहब, कपड़े। हाँ आई। छोटी मैम साहब, ये कपड़े। थैंक यू। आज के कपड़े मैम साहब? एक मिनट देते हैं। ये आज क्या हो रहा है? नीलम दीदी तो रोज रात को कपड़े बांध के रखती है। एक मिनट। हाँ भैया। तो हम गैस पर ही छोड़कर आ गए। एक मिनट। हाँ। अरे सुन, हम भी बिल्कुल भुलक्कड़ हो गए। धीमी गैस पर रख के गए थे और डर गए। छोटी मैम साहब, जल्दी कीजिए। बोलिए भैया। मैम साहब, ये महीने का हिसाब तो कर दीजिए। एक काम करें, 5 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। अरे कितना देर लगाएंगे, हमें और घर में भी जाना है। अरे 2 मिनट भैया, वो गैस पर चाय रखी हुई। अरे, अरे सोना बहू बहुत हड़बड़ी में हो, और ये नीलम बहू कहाँ है? मम्मी जी, शायद नीलम दीदी देर तक सोती रह गई है। वो सुनो, तुम अपने पैसे कल लेके जाना। जी ठीक है। मम्मी जी हम आते हैं। नीलम बहू, थैंक गॉड चाय नहीं जली। नीलम बहू कहां थी अब तक? हम तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सुबह से एक काम नहीं किया है तुमने, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ज़बान पे ताला लगा है क्या? मम्मी जी, आई विल गिव द आंसर। मम्मी जी, आई विल गिव आंसर। अब ये कौन सी नई नौटंकी है भाई? मम्मी जी, दिस इज नॉट नौटंकी, दिस इज कॉपरेशन मोमेंट, दिस इज नॉन कॉपरेशन मोमेंट। अरे क्या अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रहे हो, हिंदी में बोलो। हम बताते हैं मम्मी जी, इसका मतलब है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मतलब हम घर के किसी भी काम में सहयोग नहीं देंगे। और आज से नीलम भी घर का कोई काम नहीं करेगी, और मैं भी नहीं करूंगी। हाँ मम्मी जी, और हम मार्केट से कोई भी चीज बाय करके नहीं लाएंगे। हम घर के खर्चे में अपना कोई सहयोग नहीं देंगे, और हम अपनी आयन भी गिव नहीं करेंगे क्लोथ्स को आयन करने के लिए। और मेरे दहेज में जो वॉशिंग मशीन आई थी, वो भी हम घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो तुम दोनों? इस घर में हमारे रहते हुए ये फैसला लेने का अधिकार किसने दिया तुमको? मनोहर, उद्धम, गोवर्धन, नीचे आओ जल्दी। तुम्हारी पत्नियां क्या बके जा रही हैं? ये फैसला लेने का अधिकार किसने दिया इन्हें? ये हम सबका फैसला है, और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक आप इस घर को बेचने का फैसला नहीं ले लेती। हाँ मम्मी जी, अब जब इस घर में हमारा कोई हक ही नहीं रहा, तो फिर घर के खर्चे में हम हाथ क्यों बटाएं? क्यों अपना सामान किसी और के लिए छोड़ें? जी मम्मी जी,
ये हम सबका आखिरी फैसला है। ये आप सब कैसी बातें कर रहे हैं और ऐसा फैसला आप कैसे ले सकते हैं? ये तो घर को बांटने वाली बात हो गई। सोना, अगर तुम इसके बीच में ना पड़ो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। उत्तम भैया, आप ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, चाहे तुम लोग हमारा साथ दो या नहीं दो, ये घर कभी नहीं टूटेगा। अरे तुम्हें चलना भी नहीं आया था, तब से हम इस घर को चला रहे हैं। अकेले संभाला है हमने ये घर और अब भी संभाल सकते हैं। इस घर को चलाने में तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बेटा कन्हैया तो हमारे साथ है, ठीक है मम्मी जी? अगर आपका यही फैसला है तो हम भी अपना फैसला तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप घर को ना बेचने का फैसला नहीं बदलते। हाँ मम्मी जी, हम सबका यही फैसला है। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हमारा फैसला नहीं बदलेगा। हमें तरसना, अब कहा करें बे? ऐसे तो हम खून की तरह पिसते रहेंगे। मैं हमें भला इसी में है कि अभी चुप रहो, हमें अभी के आराम को छोड़ो और दूर की सोचो, दूर की। मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अकेले सारा काम कर लेंगे, कोई भी काम नहीं छूटेगा। मरी चाय? अरे रे, सारी चाय जल गई, बिल्कुल बेवकूफ है हम भी। अरे आपने कपड़े क्यों बदल दिए? आपको तो हेडक्वार्टर्स जाना है ना मीटिंग के लिए। अरे नहीं सोना जी, देखिए मीटिंग हो गई कैंसिल, वर्दी दी उतार, और हमने सोचा क्यों नहीं आज हम अपनी हाउसवाइफ के साथ थोड़ा सा हाउस हस्बैंड बनेंगे और थाने से लौटकर हम आपका हाथ बटाएंगे कि जब सामने हो सोना जी की ब्यूटी तो कन्हैया चतुर्वेदी इज ऑन ड्यूटी। बिल्कुल भी नहीं, आप अभी के अभी वापस यूनिफॉर्म पहनिए और मीटिंग के लिए जाएं। अरे क्यों जाइए? अरे आप अपना करियर को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं आप? अरे लाइटली कौन ले रहा है? अरे नहीं जाएंगे। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हमारी सुनेंगे। आपको क्या लगता है हमारा प्रमोशन आपसे ज्यादा बढ़कर है? तुम हो पास मेरे। इंस्पेक्टर कन्हैया चतुर्वेदी की वाइफ है आप, अब चाहे प्रमोशन रुके चाहे नौकरी छूटे, हम आपका हाथ बटाएंगे, उसके बाद जाएंगे। जब हाथ बट जाएगा चले जाएंगे। चलो हो जाइए।
अरे बिंदिया कहाँ हो? लो तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ, तुम्हारा मनपसंद समोसे और गुलाब जामुन। और रेनू तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट छोले भटूरे, और हाँ साथ में उद्यम और नीलम को भी ले आना। आ रहे हैं, कमिंग कमिंग। अरे गोवर्धन भैया, मनोहर भैया, आप लोग बाहर से क्यों नाश्ता लेकर आए? हमने आप सबके लिए बनाया है। देखो सोना बहू, अब हम नहीं चाहते हैं कि कल को नाश्ते को लेकर भी बवाल हो। घर के खर्चे में हाथ बटाने से तो मना कर ही दिया है, तो क्यों खाना घर का? बहुत सही जा रहे हो। अच्छा क्या कि तुम लोगों ने अपने नाश्ता पानी का इंतजाम अलग कर लिया, इसी में तुम लोगों की भलाई है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पंडित जी नमस्कार, आइए ना। जय माता दी। जय माता दी। मैं आप सभी लोगों को चैत्र मास के नवरात्र के माता के जागरण के लिए यहाँ पर आमंत्रण देने आया हूँ। बहुत अच्छी बात है। कहाँ है ये माता का जागरण पंडित जी? ये क्या कह रही हैं आप कि कहाँ होगा? अरे यहीं होगा, आपके घर में। आपने जैसा मुझे फोन पे कहा था, ठीक उसी तरह से मैंने आपके सारे मोहल्ले में सबको निमंत्रण दे दिया है। जी हमने तो आपको ये लीजिए सामान की लिस्ट, इसे आप शाम को मंगा लीजिएगा। अब हमें जाना होगा। जय माता। अरे हमने तो पंडित जी को कोई फोन नहीं किया। कहीं ये तुम लोगों की नई चाल तो नहीं है, हमको नीचा दिखा के अपना उल्लू सीधा करने की? नो मम्मी जी, आई नॉट डू दिस। मम्मी जी हमने भी कुछ नहीं किया। अरे मम्मी, हमने किसी पंडित पंडित को फोन नहीं किया। हाँ सुनैना चतुर्वेदी, मेरे बचपन की सोनू, इंदु हीरा। तो कैसे चल रही है नवरात्रि की तैयारी चतुर्वेदी मैंशन में? इंद्राणी देवी, ओ तो ये तुम्हारा कारनामा है। और कौन कर सकता है सोनू मेरी जान। मैंने तुम्हारी पंडित जी को तुम्हारा नाम लेके फोन किया था, कहा था कि तुम्हारी तरफ से पूरे मोहल्ले को इनवाइट कर लो, मानती हो ना? देखो आई बीन सच अ वर्ल्ड क्लास ट्रैवलर, फिर भी मैं भूली नहीं कि इस वक्त चैत्र की नवरात्रि चल रही है। देखो इंद्राणी, तुम्हें क्या याद है और क्या तुम भूल गई, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम इतना याद रखो इंद्राणी देवी कि तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, समझी? सोनू डियर, नो पॉइंट इन रिएक्टिंग। वैसे भी तुम बहुत बिजी हो ना, बहुत कुछ करना है ना। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस वक्त तुम्हारे साथ अभी सिर्फ तुम्हारी हाउसवाइफ सोना है और तुम्हारा बेटा कन्हैया, एम आई राइट? बाकी तो सब तुम्हारे खिलाफ हो गए ना। तो हमारे परिवार को भड़काना तुम्हारा खेल था। नो डोंट गेट मी रॉन्ग सोनू, बात ये नहीं है, ये बात बिजनेस की है। अब तुम जो हो अड़ गई हो घर को लेके, अब तुम मान जाओ, हाँ बोल दो, बस पुरानी तरह सब कुछ हो जाएगा। तुम और मैं, इंदु, सोनू, नेत्राम की कचौड़ी, ऑयली ऑयली, गीली गीली। चाहे तुम कुछ भी कर लो इंद्राणी देवी, इतना याद रहे कि हमारे जीते जी ये घर कभी नहीं बिकेगा।
लिए। ओ सोनू डार्लिंग, ठीक है फिर तुम आज रात बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं जगराता की तैयारी होने नहीं दूंगी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पर इस वक्त सबको साथ रहना पड़ेगा। ये हमारे घर की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का सवाल है। किस घर की मान मर्यादा की बात कर रही हैं आप मम्मी जी? ये घर जो हमारा है ही नहीं, अब ना तो ये घर हमारा है और ना ही हम इस घर से, हमें इस घर से या आपकी शान और शौकत से कुछ लेना देना नहीं है। चलो आप समोसे खा जाओ। हमारे अपने बच्चे हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई हमारी बात तक सुन, किसी को अपने घर की मान मर्यादा का ख्याल ही नहीं रहा। ये मोहल्ले को निमंत्रण दे दिया है, रात तक जागरण की तैयारी कैसे होगा? देखो भाई, यहाँ हाथ पे हाथ धर के बैठ के मुसीबत का इंतजार करने में कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा यही होगा कि हम मोहल्ले में जाकर सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई हमारे घर माता का जागरण नहीं होने वाला है। लेकिन भाभी आप जरा सोचिए, इस विषय को लेकर सारे मोहल्ले में चर्चा शुरू हो जाएगी। लोग कहेंगे कि चतुर्वेदी परिवार जागरण करने में सक्षम नहीं। देखिए देवर जी, सब जानते हैं कि सुनैना क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। नहीं देवर जी, आप बताइए आपको क्या लगता है, शाम को जब मोहल्ले वाले यहाँ आएंगे और इस जागरण की आधी अधूरी तैयारी देखकर हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, ताने कसेंगे, ये हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और इन घर वालों की मदद मांगने के लिए इनकी उल जलूल मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा। इससे तो यही अच्छा है कि हम मोहल्ले में जाके सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग लें। अब मम्मी जी, आपको क्या लगता है जागरण के लिए कितने लोग आएंगे? हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हमें पता चले प्रसाद कितने लोगों का बनाना है। मजाक है क्या? अरे इतनी जल्दी तैयारियां नहीं हो सकती हैं सोना बहू। हाँ मम्मी जी, जागरण की सारी तैयारी हो जाएगी, लेकिन मम्मी जी लोगों को तो मजाक उड़ाने का मौका चाहिए। वो तो तब भी मजाक उड़ाएंगे जब आप सबके सामने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगेंगे। तो पहले से क्यों हार मान जाए, एक बार कोशिश तो करके देखते हैं। हाँ मम्मी जी, मतलब हमें ये नहीं पता कि कैसे होगा क्या होगा, मगर एक बार कोशिश की जा सकती है। और भाभी हम अकेले नहीं, हम चार हैं, चार, एक दो तीन चार, और अगर हम मिलजुट के काम करेंगे सारी तैयारी हो सकती है। ठीक है देवर जी, अगर आप भी कह रहे हैं तो चलिए कोशिश करके देख लेते हैं।